तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं सखी के हनुमान मंदिर पे, और दीपावली का दिन है और सखी के हनुमान जी के मंदिर नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता भाई। और अधिकतर व्यक्ति सखी के हनुमान जी के मंदिर दीपावली के दिन खासकर जाते ही है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से, और आपके परिवार को भी हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से भाई। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में है जस्ट अभी हम जस्ट पिछोर के एरिया में हैं और चलते जा रहे हैं, और बस बाहर मेन हाईवे लगेगा और उसी से कट के उसी पे लेफ्ट हैंड पे सखी के हनुमान जी का मंदिर रहेगा। हाँ, तो मैं शहर में रहता हूँ और मैं बड़ेगांव गेट होते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी जस्ट हम हाईवे पे आ चुके हैं। कहाँ से हाँ में रह के आप सखी के हनुमान जी गए तो आपने कोई मंदिर नहीं घूमा अभी तक, अभी आपको और भी घूमना बाकी है। हाँ, देखा कितना ट्रैफिक जाम लगा, ट्रैफिक आप ट्रैफिक जाम लगता ही नहीं है, लेकिन आज लग गया क्योंकि आज बहुत भीड़ होगी। बहुत हाईवे की रोड हैगी, उधर तो कार खड़ी हुई है और इधर बाइक खड़ी हुई है, इधर ही मैंने अपनी बाइक पार्क करी है भाई, वरना अंदर चली जाती थी वहाँ तक, और आज तो जा ही नहीं सकते। और आज तो बम्पर मेला सा लगा है बहुत भयंकर वाला, जो मेरे इधर सामने दिख रहा है आपको बैरिकेड लगा दिए, सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी लगे हुए हैं साथ ही साथ। तो जस्ट अभी हम सखी के हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं, तो देख लो पीछे बैनर भी लगा है, ऊपर लिखा भी है सखी के हनुमान जी का मंदिर, और पीछे मेरे नेशनल हाईवे है, और देख लो जहाँ पे भी देखोगे आप गाड़ी गाड़ी मिलेगी, और बैरिकेड भी लगी है सुरक्षा के लिए, ट्रक वगैरह धीरे धीरे चल रहे हैं, और जितना भी है भाई पीछे तक गाड़ी ही गाड़ी आएंगी आपको जितनी भी दिख रही हैं। देख लो आप जितनी तो गाड़ी लगी, इधर भी बहुत सारी गाड़ी लगी, और पार्किंग के लिए आज तो जगह भी नहीं है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मैं और मेरा भाई आए थे निखिल भाई। ये लिखा है सखी के हनुमान जी का मंदिर इस साइड को, चलते हैं यहाँ से पूरी रोड जाती प्रॉपरली, आज तो मेला टाइप से लगा पूरा। वैसे देखकर अपन लोग आते थे तो यहाँ तक पूरा गाड़ी से आ जाते थे। हाँ, दीपावली का दिन है तो अलग एक माहौल अलग ही रहता अपने यहाँ का। ये देख लो मेन एंट्री गेट है, अभी बन भी रहा है वैसे सखी के हनुमान जी का मंदिर, और पेंटिंग और वो ज्यादा भी रह गया। सीढ़ी क्यों लगा रहा गाड़ी है उसका अंदर, सबसे पहली एंट्री कर लिया वो भी नसैनी पार करके, मेन एंट्री गेट है ये। तो ये गाइस जस्ट अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये देख लो ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। कहने को बहुत सारे मंदिर हैं हनुमान जी के, और ये मंदिर बिल्कुल अनोखा है, मतलब एक अलग ही मंदिर है हनुमान जी का, क्योंकि यहाँ हनुमान जी एक स्त्री के रूप में स्थापित हैं, मतलब विराजमान हैं। और जो आपने हनुमान जी के भक्तों की भीड़ देखी है, यहाँ लगभग से लगभग 1000 श्रद्धालु रोज़ाना दर्शन करने आते हैं, और मंगलवार के दिन इतनी ही ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और जो आपने अभी दर्शन किए हैं हनुमान जी के, ये मूर्ति कम से कम 500 साल पुरानी स्थापित है, और ये स्त्री रूप में स्थापित हैगी, और ये स्त्री रूप में होने के बावजूद भी उनके दोनों हाथों में गदा हैं। ये आप पूरा मंदिर देख रहे हैं, कम से कम लगभग बताया जा रहा है कि 500 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ हनुमान जी अब्बा बहुत सारे चमत्कार करते रहते हैं। और जैसे कि मंदिर के सदस्य बताते हैं कि यहाँ पर एक रात हनुमान जी टहलते हुए दिखाई दिए थे, और कई बार तो रात में घंटों की आवाज़ सुनाई भी दी जाती, ऐसा लगता है कि घंटे बज रहे हों। हाँ, एक कहानी है छोटी सी हनुमान जी के पीछे की, तो हम आपको बताते हैं कि ओरछा के एक बाबा थे सखी बाबा, उनको सखी बाबा के नाम से जाना जाता था। तो उनको एक दिन एक हनुमान जी की प्रतिमा मिली, वो भी स्त्री रूप में, तो उन्होंने उठाया उन्हें और अपने साथ बैलगाड़ी में लेके चलते बने। उस टाइम बैलगाड़ी चलती थी, जबकि वे ओरछा में रहते थे, तो ओरछा से चलते चलते वे झांसी की तरफ से निकल रहे थे, तो उन्हें एक पीपल का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने कहा अब हमें को यहीं पे आराम कर लेना चाहिए। तो जब उन्होंने आराम करते करते जब उनकी नींद लग गई, तो उनको सपने में हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने उनको स्वयं दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा कि हमारी मूर्ति यहीं पे स्थापित कर दीजिए आप पीपल के पेड़ के नीचे। तो उन्होंने भी, जो बाबा थे उन्होंने भी पीपल के पेड़ के नीचे ही स्थापित कर दिए गए, जो आज भी आप देख रहे हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और आज कितना विशाल मंदिर बन चुका है, कितना बढ़िया और कितना भव्यशाली मंदिर
बन चुका है। उस दिन दीपावली का दिन था, तो क्या है उस दिन बाहर मेला लगा हुआ था। जा जाओ जल्दी जा। दो बच्चे झूल रहे हैं। हाथ पकड़ लो मैं उसका, दर्द निकाल ले। कुनो कुनो आओ इधर आओ इधर आओ आओ चलो चलो आओ। एकदम कूदना नहीं आएगा, पहले ऐसे 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 चलो, ऐसे ऐसे चलो, चलते जाओ, ऐसे ऐसे चलते जाओ। समय तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, समय डर लगता। आओ चलो इधर इधर चल के आओ, चलो जाओ, अब बैठ जाओ इधर बीच में। मैं इनवाइट करेंगे।